हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हम इसका 7th और 8th पार्ट कवर करने वाले हैं, इसके लास्ट 2 पार्ट्स, और इससे पहले वाले सारे पार्ट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो अपना 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे x प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी यूज हो रही है। मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे हमारी a टर्म कौन सी है, a वाली टर्म है हमारी x, ये हमारी a टर्म है, और b वाली टर्म है हमारी 2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया a टर्म है x और b टर्म है 2। तो यहाँ पे a का क्यूब, यानी कि a का क्यूब क्या है, a है हमारा x, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे x का क्यूब प्लस b है हमारा 2। तो यहाँ लिख लेंगे 2 का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर, a हमारा x है, यानी कि x स्क्वायर और b है 2। तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 3 a है x, b का स्क्वायर b यानी कि 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मैं इसे रब कर देती हूँ और फिर आगे से सॉल्व कर लेंगे अपना 8th वाला पार्ट। यहाँ पे मैं दे रखा है 2x x स्क्वायर माइनस 1, यह हमें इक्वल टू के बाद में राइट साइड पे हमें टर्म दे रखे। तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 8 का सॉरी x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब, 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब होगा 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर 2, यानी कि यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो x स्क्वायर इंटू 2 तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, यानी निकलेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू x 4x, 4 इंटू 3 12, तो 12x यहाँ पे हमने लिख लिया इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, सॉरी 2x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम टर्म शिफ्ट कर लेंगे, तो x क्यूब यहाँ पे 2x क्यूब क्या है, पॉजिटिव का, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है नहीं 6x के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंपली 6x स्क्वायर, क्योंकि 6x स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं, प्लस 12x, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 12x, यहाँ पे माइनस 2x है, इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का है यहाँ पे, सॉरी x स्क्वायर प्लस का है, माइनस 2x स्क्वायर है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से हम 2x क्यूब में से हम x क्यूब को माइनस करेंगे, क्या बचेगा माइनस x क्यूब प्लस, यहाँ पे 8 है तो 8 तो सिंपल रहेगा यहाँ पे, प्लस 6x स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब प्लस 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 हो जाएंगे, तो 12 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 14x इज इक्वल टू 0। अब हम इसे एक अरेंज फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो x क्यूब क्यूब प्लस यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इन्हें इनके डिग्री के हिसाब से एकदम सही से लिख दिया एक अरेंज फॉर्मेट में। अब हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो यहाँ हम लिख लेंगे और ए एक्स स्क्वायर इज अनइक्वल टू 0, यानी कि हमारा ए एक्स स्क्वायर क्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 6x स्क्वायर, बी एक्स है हमारा 14x, सी है हमारा 8, और ए एक्स स्क्वायर हमारा 0 भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे माइनस 3x सॉरी माइनस x क्यूब आ रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन हमें तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर चाहिए, ए एक्स तक स्क्वायर तक चाहिए हमें टर्म, एक्स क्यूब नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अपना 8th पार्ट नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेंगे अपने इक्वेशन के साथ। अब हम इसका 8th पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है इक्वेशन में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x
प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है वो मैं लिख देती हूँ, आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ए वाली टर्म है एक्स और बी वाली टर्म है माइनस टू। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए का क्यूब। ए हमारा एक्स, तो एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का साइन। बी क्या है हमारा, माइनस टू, यहाँ लिख लेंगे माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री। ए क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और बी है माइनस टू माइनस थ्री। ए है एक्स और बी का स्क्वायर, बी है हमारा माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब क्या होगा, टू का क्यूब होगा एट। और माइनस यहाँ पे हम लिख लेंगे टू का क्यूब कैसे होगा, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस आ गया तो माइनस एट। अब माइनस एट के बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एट माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू क्या होगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस माइनस थ्री क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब टू का स्क्वायर क्या होगा, टू का स्क्वायर होगा फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे, माइनस टू इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा फोर, प्लस का क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का फोर इंटू एक्स फोर एक्स, फोर एक्स इंटू माइनस थ्री, माइनस का ट्वेल्व एक्स हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को हम इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व एक्स है, इधर आके प्लस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे एट है प्लस का, इधर आके माइनस का एट हो जाएगा, माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब x यहाँ पे प्लस का है ये माइनस का है, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस टेन एक्स स्क्वायर, माइनस फोर में माइनस सिक्स को प्लस करेंगे आ जाएगा माइनस टेन, प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व में से x माइनस करेंगे क्या बचेगा, प्लस इलेवन एक्स, प्लस माइनस माइनस एट में से वन माइनस करेंगे बचेगा हमारा माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर इज अनइक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमें ये चेक करना है। तो ए एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस टेन है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है ना, और ना ए एक्स स्क्वायर से पहले कोई टर्म है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता चल गया यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट पार्ट भी कम्प्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।